असलामुअलैकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं? आज हम बनाने जा रहे हैं एक बाजू के डिज़ाइन की वीडियो, तो आप भी हमारे साथ सीखेंगे कि किस तरीके से एक बाजू बनाना है, तो कैसे इसको स्टाइलिश किया जा सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो। सबसे पहले आपने बाजू ले लेने हैं, उन्हें दरमियान से काट लेना है। ये मैंने दो बाजू लिए हैं और ये चार लेयर्स हैं इस टाइम मेरे पास। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके इधर दरमियान में लगाने के लिए स्ट्रिप्स बना लें, जिससे हम बटरफ्लाई बनाएंगे। 8 इंच की मैंने इसकी लेंथ ली है और 2.5 की इसकी मैंने विड्थ ली है। अब आप इसको उल्टी साइड से फोल्ड करके यहाँ पर सिलाई लगा दें। ये देखिए हमने सिलाई लगा ली है। अभी इस तरह है, इसकी एक लेयर से आपने इस तरह पकड़ कर कट लगा देना है, जिससे हम इसे सीधा करेंगे। इधर से आपने निकाल लेना है, इसे सीधा कर लेना है, फिर इसकी कॉर्नर्स भी सही तरीके से निकाल लेना है। अगर आपको ज़्यादा मुश्किल हो रही है किसी बारीक चीज़ की वजह से या फिर सीजर की नोक से, आप इसके कॉर्नर्स को इजीली निकाल सकते हैं। अब हम इसकी बटरफ्लाई बनाते हैं। यहाँ से आपने निकाल लेनी है। अगर आप कोई बीट्स वगैरह लगाना चाहते हैं वो लगा रहे हैं, मैं ये बटन लगा रही हूँ। गोल मोती आप लगा सकते हैं किसी भी तरह के। अब यहाँ से आप गिरा लगा दें। ये देखिए एक हमारी बटरफ्लाई तैयार हो गई है। काटने पॉज करो। देखिए इस तरह हमने 16 पीसेस इसके बना लिए हैं इसी तरीके से। अब हम डिज़ाइन करना स्टार्ट करते हैं। अब हमने बाजू की एक साइड लेनी है जो कि सीधी हो, उस पर एक बटरफ्लाई उल्टी करके रखकर सिलाई लगाना स्टार्ट करनी है। इस तरह इसी तरह दूसरी भी साथ ही रख देनी है। इसी तरह हमने सारे थोड़े थोड़े फासले से लगाते जाना है। हमने सीधी साइड पर रखकर उल्टी बटरफ्लाईज लगाई हैं, इसलिए अब हम इन्हें सीधा करते जाएंगे। अब इस वाली लेयर यहाँ पर हमने एक सिलाई लगा देनी है, जिससे अच्छी फिनिशिंग आ जाएगी। देखिए हमने इस तरह लगा ली है। अब आपने एक और बाजू का जो इसका आधा पीस हमारे पास रहता है वो इस पर उल्टा करके रखना है। ये जो बटरफ्लाई सीधी है ये इस तरह उल्टा करके रखना है और यहाँ से इधर सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए हमने दूसरी वाली बाजू भी इससे अटैच कर ली है। अगर आपका दिल करे तो नीचे पतला या फिर इसी तरह का एक कपड़ा भी लगा सकते हैं, ना करे तो ये ऐसे भी ठीक है। मैंने यहाँ साइडों से शेप भी नहीं बनाई अभी, तो आप पहले ही रख के शेप बना ले। यहाँ से मैंने इसलिए छोड़ा है, ये नीचे से फोल्ड होगा, ऊपर से भी सिलाई में आएगा। यहाँ से आप साइड से शेप बनाकर फिर लगाइएगा, ठीक है? देखिए अब हमने इसकी शेप बना ली है, हमारे दोनों बाजू तैयार हो गए हैं।